हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के कोलोइड्स की बात कर रहे थे और जिसमें हम लोग कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन वगैरह देख चुके हैं, कोलोइड्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह भी देख चुके थे। और उसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो चर्चा किए थे किसकी बात किए थे, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या था कि कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम क्या कर रहे थे, कोलोइड में कन्वर्ट कर रहे थे बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे, पेप्टाइजेशन कर रहे थे। और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज किए थे वह इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता था, पेप्टाइजिंग एजेंट कहला रहा था। जैसे हम क्या किए थे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है तो इसे क्या करते हैं, वाटर में ले रहे हैं और इसमें क्या करते हैं हम एक्वस FeCl3 को डालते हैं। तो जब FeCl3 को डाले तो ये FeCl3 क्या होगा, Fe+3 और Cl- देगा। तो इसमें इसके क्रिस्टल लैटिस में क्या है, Fe+3 है। तो जो इसका कुमन आयन, जो इसके लिए आयन कुमन आयन है उसे क्या करेगा, यह अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया। और एब्जॉर्प्शन के कारण हम क्या बताए थे, कोलोइड जो बना था तो उसमें ईस्टर्न की बातों को दर्शा रहे थे, ये कोलोइडल पार्टिकल्स जो होंगे, मींस डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अब एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर भी पॉजिटिव, तीसरे पर भी पॉजिटिव, सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक दूसरे को रिपेयर करेगा और इस कारण ये आपस में नजदीक नहीं आ पाएगा, एसोसिएट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एसोसिएट करना शुरू कर देगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा और साइज बड़ा हुआ तो यह क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, कोलोइड की स्टेबिलिटी ही समाप्त हो जाएगी। तो कोलोइडल पार्टिकल पे थोड़ा सा चार्ज का होना इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यही अगर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, अनाप शनाप का हो, तो फिर क्या होगा कि अब इसीलिए Fe+3 को लिया था तो इसके मीडियम में क्या बचा रह जाएगा, Cl- बचा रह जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इसको ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रल। अब अगर इसमें अननेसेसरी जैसे तैसे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो वो क्या कर सकता है, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा ये आपस में जुड़ना शुरू कर देगा और जुड़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा भैया, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो इसमें आगे हम लोग हैविंग किए थे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स के प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ जनरली हम लोग जो ऐसे कोलोइड की बात कर रहे हैं जो लिक्विड के स्टेट में है, जो लिक्विड के स्टेट में है उस प्रकार के कोलोइड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सोल। उसके लिए क्या यूज करते हैं, सोल। जो गैसियस फॉर्मेट में होता है उसके लिए एरोसोल, और जो सॉलिड फॉर्मेट में होता है उसके लिए सॉलिड सोल। तो अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, तो कोलोइड्स किसी भी मेथड से आप क्यों ना बनाए, इसमें क्या होगा, तो कुछ हद तक सोलेबल इम्प्यूरिटियाँ प्रेजेंट होंगे, इस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा चार्ज का होना उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज़्यादा चार्ज उसे क्या करेगा, डीस्टेबलाइज कर देगा, प्रेसिपिटेट करा देगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स को जो एक्स्ट्रा है उसे हमें हटाना पड़ेगा, जो सोलेबल इम्प्यूरिटियाँ थे उसे हटाना पड़ेगा। तो इसे प्यूरिफिकेशन में हम टोटल तीन ढंग के प्रोसेस को मेनली यूज करते हैं। मेनली थ्री मेथड्स को यूज किया जाता है। ये मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, डायलिसिस। इसी में डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों देखेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
बाट डायलिसिस एंड इलेक्ट्रो डायलिसिस, हम देखते हैं बाट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और तीसरा बाट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आप जान ही रहे हैं कि अब हमारा जो कोलोइड है, तो क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इम्प्योर कोलोइड था, जब उसे हम क्या करेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कराएंगे, तो कोलोइड पार्टिकल रुक जाएगा और जो उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटियाँ होंगी वो उससे क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, उससे पास हो जाएगा, प्यूरिफाई हो गया। दूसरा है बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आप इस प्रोसेस को ऑब्जर्व भी किए होंगे, ध्यान दें, सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होता है जिस मशीन में उसे डाल के तेजी से रोटेट करता है, जब दूध से मक्खन को अलग करने में आप नहीं देखते हैं, दूध क्या है कोलोइड है, उसे एक मशीन में डाल के इसे इसे क्या क्या तो घुमा काफ़ी तेजी से रोटेट कराया जाता है, उसके जो डिस्पर्स्ड फेज हैं जो उसके कोलोइडल पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, मक्खन क्या होता है उससे अलग हो जाता है। इसी ढंग की बातें होती है जब आप ब्लड टेस्ट में देते हैं, तो देखिएगा ना पैथोलैब वगैरह में क्या होता है, वहाँ सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है, उसमें डाल के उसे तेजी से रोटेट कराया जाता है और जो भी उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसे क्या प्रेसिपिटेट करा लिया जाता है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं, तो छान के उसे अलग कर लिया। तीसरा इसमें एक हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस की या डायलिसिस की बात करनी है, ये दिखाना है, तो आइए बात करें डायलिसिस। देखिए डायलिसिस में क्या किया जाता है, अंदर से वाहक को ले रहे हैं, यहां से वाहक बाहर निकल रहा है, वाहक का एंटर हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यह आउटलेट है, ये इनलेट है, इनलेट है, इसे अंदर आ रहा है, इसे बाहर। एक हम क्या करते हैं, थैला ढंग का लेते हैं, जो हमारा क्या है, ये जो बैग है या हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ, सेल मेम्ब्रेन डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और इसमें हम क्या लेते हैं, कोलोइडल सोल, यहाँ क्या है कोलोइडल सोल है, जबकि ये क्या है फ्रेश वाटर, और ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ये क्या है सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, इट मीन्स डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, या क्या करिएगा सिंपल वर्ड में बोलिए सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें हम क्या किए हैं, तो अभी कोलोइडल सोल को लिए, तो इसमें इम्प्योरिटियां भी होंगी, सॉल्युबल इम्प्योरिटियां प्रेजेंट हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो है, इससे क्या हो सकता है, तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन कोलोइड के पार्टिकल्स इससे मूव नहीं कर सकते। तो इसमें जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल होगा, इसमें जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल होगा वह क्या होगा, वो इस फ्रेश वाटर की ओर आना शुरू कर देगा, फ्रेश वाटर की ओर आना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, तो फ्रेश वाटर में इसमें कंसंट्रेशन क्या है नेगलिजिबल है, इसमें कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, तो अब बाहर निकलेगा तो इधर भी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं पानी को इससे कंटिन्यू फ्लो कराते जा रहे हैं, वो क्या करेगा उस आयंस को भी लेते हुए बाहर चला गया, तो इसका कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या रहेगा कम ही रहेगा,
तो बाहर से अंदर से बाहर की ओर क्या होता जाएगा, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम ए कोलोइडल सोल, फ्रॉम ए कोलोइडल सोल बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस, इज नोन एज डायलिसिस। और आप सुनने को भी आता होगा कि जिस आदमी का किडनी काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, उसको भी डायलिसिस पे ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ क्या छन्ना लगा होता है, अब वो छानने का काम ही नहीं कर रहा है, छन्ने का काम ही नहीं कर रहा है, तो ऊपर से एपरेटस लगा के उसे डायलिसिस कराया जाता है। तो हम क्या कहते हैं डायलिसिस में, हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्यूरिटीज फ्रॉम ए कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल by means of diffusion through a semi-permeable membrane or cellophane membrane is known as diagnosis, known as diagnosis। इसे ही हम क्या कहते हैं, diagnosis। एक मिनट हम क्या कहे, तो हम बोले the process of removal of soluble impurities from the colloidal soil by means of diffusion through semi-permeable membrane or cellophane membrane is known as diagnosis। इसे ही हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। वास्तव में आप देखिए इसमें एक टर्म और लिखे हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखिए हम बुक भी रखे हैं आपको फिगर जरा दिखाएं तो आपके समझ में कुछ और भी बातें अच्छे ढंग से आ पाएंगी, क्योंकि फिगर क्या होता है, जिस बातों को आप पढ़ रहे हैं उसी का ठीक उसी को क्लियर करने के लिए, क्लियर कंसेप्शन के लिए फिगर वगैरह बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ दर्शा रहा है ये इलेक्ट्रोडायलिसिस, यहाँ दर्शा रहा है डायलिसिस, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन मिसल मेम्ब्रेन है ठीक, यहाँ से वाटर का इनलेट, यहाँ से आउटलेट सोल पार्टिकल्स था जिसमें क्या थे सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी थी, तो अब ये सॉल्युबल इंप्योरिटीज इससे क्या होता जाएगा, बाहर होता जाएगा। देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, पहले वाटर आया लेकिन यहाँ से क्या निकल रहा है, वहाँ से वाटर का जो आउटलेट है उससे क्या निकल रहा है, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स, प्लस क्रिस्टलॉइड्स जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन बनाते हुए क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स हमारा बचा हुआ है। ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही स्लो होता है, तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर देते हैं, देखिए इसी में क्या करें, दो इलेक्ट्रोड को डाल दें उसे बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा, जब आप दो इलेक्ट्रोड को डाल दिए, जैसे एक यहाँ भी इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक यहाँ भी इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, और इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो अब क्या होगा कि अब इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का जो मूवमेंट होगा वह तेजी से होगा अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं उसमें, अगर डायलिसिस है तो ये लिखे, इलेक्ट्रोडायलिसिस की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस वहां क्या जोड़ देंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही प्रोसेस क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाएगा ठीक। अगर इलेक्ट्रोडायलिसिस आपसे पूछा तो आप क्या कहेंगे, बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज फ्रॉम ए कोलोइडल सोल
by means of diffusion through a semi-permeable membrane or cellophane membrane. और इसके बाद यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, cellophane membrane के बाद क्या कर देंगे, तो एक लाइन वहां जोड़ देंगे, under the influence of applied electric field is known as electrodiesis. सेम सब बात वही है, बस क्या किया गया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड को ले लिया गया, एक एनोड दूसरा कैथोड, दो इलेक्ट्रोड को हम इसमें जोड़ दिए और कहीं कुछ नहीं किए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। चलिए लिख लीजिए, और आपको डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस बार बार पूछा भी जाता है डिफाइन करने के लिए, डायलिसिस पूछा तो ये बोलिएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोला तो यहाँ तक तो बातें सेम बोलिएगा, और इसके बाद क्या ऐड कर देना है, इसके बाद का यह ऐड कर देना, ये ऐड कर देंगे और तब आप क्या बोल देंगे, उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इसके आगे, क्योंकि अब देखिए कोलॉइड का सही मायने में अर्थ समझ में आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है, और देखिएगा ऐसा ऐसा एप्लीकेशन बताया जाएगा कि एक बार सुन के आप भी सॉफ्ट रह जाएंगे। गजब ढंग की बात है भाई। अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। इसमें तीन प्रॉपर्टी लिखेंगे और तीनों में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी दो नंबर में जरूर ही पूछा जाएगा भैया, ध्यान। ब्रोनियंस मूवमेंट, ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक बॉटनिस्ट थे, जब वो वाटर में पॉलन ग्रेन्स को डाले तो देखें कि पॉलन ग्रेन्स जो है वह क्या कर रहा है, वहां जिगजैग मोशन में जा रहा है, तो वो इस मोशन का नाम दिए ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक, उस मोशन को कुछ नाम दिए कंटिन्यूअस मोशन को, तो बाद में देखा ब्रोनियन मूवमेंट। इसी ढंग की बातें क्या देखी गई, सिर्फ वही नहीं हो रहा, जितने भी कोलॉइड्स हैं सभी जगह इस ढंग के मूवमेंट की बात, तो इसे सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे रॉबर्ट ब्राउन साहब, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए इस मोशन का नाम क्या रखा गया है, ब्रोनियन मूवमेंट रखा गया। और याद कीजिएगा, आपको हम बताए भी थे, देखिए इसका कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी के कवर पे इसको जगह मिला है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो तीन फिगर बना हुआ है, ये तो पी ब्लॉक का है, लेकिन ये और ये दोनों का दोनों सरफेस केमिस्ट्री का ही फील है, ये हमारा मिसल फॉर्मेशन है और यही हमारा क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट है। यही हमारा क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट है। जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ तक की बात कर लिए, तो अब जैसे प्रॉपर्टीज में आते हैं, देखिए यहाँ क्या दर्शाया गया, ब्रोनियन मूवमेंट, यही ना वहां बना हुआ था। तो ये ब्रोनियन मूवमेंट क्या है भैया, ये बिल्कुल आप ऑब्जर्व भी करते हैं, जरा ध्यान दीजिए ना, जब आप दिन में क्या करें कि रूम में बैठे हुए हैं, लाइट को ऑफ कर दीजिए, गेट खिड़की को लगा दीजिए, तो इंसुलेशन से होके सूर्य की जो रोशनी आती है वो आपको बिल्कुल चमकीला ब्लूइश रंग का दिखाई देता है, वो इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर का दिखाई देना वो है टिंडल इफेक्ट, चमकीला। लेकिन उसमें एक चीज आपको और दिखाई देता है, क्या दिखाई देता होगा, धूल के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल जैसे तैसे मूव करते हुए दिखाई देते होंगे, वो जो जैसे तैसे मूव कर रहा है ना, वही है ब्रोनियन मूवमेंट, वही क्या है, ब्रोनियन मूवमेंट। क्योंकि डस्ट हमारा, स्मोक, डस्ट, ये सब क्या है, हमारा कोलॉइड, इससे यहाँ क्या है,
एयर है डिस्पर्शन मीडियम और सॉलिड क्या है डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल के द्वारा डिस्पर्शन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे अनइक्वल बम्बार्डमेंट होता है, जैसे तैसे उस पर आघात होता है। तो अब यहाँ कोई पार्टिकल इधर से पांच फुसा, इधर से चार फुसा, इधर से एक फुसा, इधर से कोई नहीं मारा, एक इधर से एक का फुसा मारा, उधर के और भाई इधर का मारेगा, वहां गया वहां भी फिर उसको फुसियाना शुरू कर दिया, तो इधर की ओर भागा, जिधर कम मर रहा है, जैसे तैसे ये ऑलवेज क्या होगा मूवमेंट में रहेगा। इसी मूवमेंट को कहते हैं ब्रोनियन, और इस ब्रोनियन मूवमेंट का चांस डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बढ़ता है ब्रोनियन मूवमेंट का चांस डिक्रीज करते जाता है। यही कारण है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स जनरली ब्रोनियन मूवमेंट्स को नहीं करते हैं और वो क्या होते हैं सेटल कर जाते हैं, जबकि कोलोइड्स के पार्टिकल जनरली सेटल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है वो पार्टिकल्स तो रेस्ट में है ही नहीं, तो उस पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो ऑलवेज क्या है कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में है। तो इस ब्रोनियन मूवमेंट के कारण ही कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं सेटल नहीं कर पाते हैं ऑन स्टैंडिंग। तो ब्रोनियन मूवमेंट हम क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं कि द कोलोइडल पार्टिकल्स इस डिस्पर्स्ड फेज, द कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो गया डिस्पर्स्ड फेज कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ ए सोल आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन विच इज नोन एज ब्रोनियन सिग्नल। ब्रोनियन सिग्नल ये क्यों अराइज करता है इसकी बात, तो इट अराइज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इस डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे कोलोइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल बम्बार्डमेंट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के द्वारा डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, क्योंकि वहां डिस्पर्शन मीडियम क्या करता है उस पार्टिकल को अनइक्वल बम्बार्डमेंट में ले जाता है, आघात करता है अनइक्वल, जैसे तैसे इधर से चार बार, इधर से तीन बार, उधर से के बाद उधर से भाग गया। अब क्या बोले इस ब्रोनियन मूवमेंट का चांस डिक्रीज करते जाता है विच इंक्रीज इन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, इज द चांस ऑफ ब्रोनियंस मूवमेंट डिक्रीजेड विच इंक्रीज इन साइज ऑफ size of solute particles that is dispersed effect so particles of suspension don't show Brownian. Brownians.
अब इस ब्रोनियर मूवमेंट के कारण ही कोलाइडर पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल नहीं करते हैं ऑन एस्टर्न। हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू ब्रोनियर मूवमेंट, ड्यू टू ब्रोनियंस मूवमेंट द कोलाइडर पार्टिकल्स, द कोलाइडर पार्टिकल्स ऑफ सोल डोंट सेटल ऑन एस्टर्न। हो गया, ब्रोनियंस मूवमेंट की बात हो गई। ब्रोनियंस मूवमेंट क्या है, हम बोले कि कोलाइडर पार्टिकल्स ऑफ ए सोल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, व्हिच इज नोन एज ब्रोनियंस मूवमेंट। इसे ही ब्रोनियंस मूवमेंट कहते हैं। अब ये क्यों अराइज करता है, तो इट अराइज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल बम्बार्डमेंट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, रीजन इसका आ गया। अब क्या होता है, द चांस ऑफ ब्रोनियंस मूवमेंट डिक्रीजेस विच इंक्रीज इन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। डिस्पर्समेंट के पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ब्रोनियन मूवमेंट का चांस डिक्रीज करता जाता है। सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डोंट शो ब्रोनियंस मूवमेंट, इसलिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स ब्रोनियन मूवमेंट शो नहीं करते हैं और उसे जैसे ही रखते हैं वो क्या होता है, सेटल कर जाता है। लेकिन ये कोलाइड के पार्टिकल्स ब्रोनियन मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए जब आप इसे रखते हैं ये प्रायः सेटल नहीं करेगा, यह प्रायः सेटल नहीं करता है। दूसरा देखें पिंडल का, तीन इफेक्ट को देखेंगे, तीनों में तीन प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों में कोई ना कोई जरूर ही पूछा जाता है प्रायः टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या बोले, वही दिन में क्या बोले कि आप सिनेमा हॉल में भी देखते होंगे, आप तो सिनेमा हॉल प्रायः बच्चे जाते ही नहीं है। ठीक है, तो सिनेमा हॉल में क्या देखते होंगे, अंधेरा रहता है ना, वहाँ आपको दिखाई देता होगा ऊपर से जो फॉक्स मार्क वो जो स्क्रीन पे फोकस दिया जाता है वो बिल्कुल आपको पता चलता होगा चमकीला ढंग का, पता चलता है ना, बिल्कुल कैसे पता चलता है। वो दिन में क्या बोले कि रूम में बैठ जाइए, लाइट बंद कर लीजिए, खिड़की बंद कर लीजिए, तो वेंटिलेशन से जो होकर सूर्य की रोशनी आती है वो बिल्कुल चमकीला कलर का दिखाई देता है। ये जो चमकीला कलर का दिखाई दिया यही हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब आप ट्रू सॉल्यूशन से होकर लाइट को गुजारेंगे तो वहां कोई चमकीला ढंग की बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो लाइट का स्कैटरिंग कर ही नहीं पाएगा, तो पार्टिकल लाइट उससे सीधे पास कर। लेकिन अगर आपको लाइट्स में पार्टिकल का क्या होता है, लाइट पार्टिकल का स्कैटरिंग हो जाता है जिस कारण ये कलर दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ रेडिएशन और लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडर सोल प्लेस्ड इन डार्क द पाथ ऑफ रेडिएशन बिकम इल्यूमिनेटेड बाय ब्लूइश लाइट, नीले रंग के लाइट के द्वारा वो क्या होगा, चमकीला कलर का दिखाई देने लगेगा। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यह क्यों अराइज करता है, यह अराइज करता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन और लाइट by colloidal particles that is dust particles। वहाँ हमारा colloidal particle air में क्या था, तो dust particle था। तो tindal effect में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि when beam of radiation or light is passed through a colloidal solid placed in dark, the path of radiation become
illuminated by bluish light, this phenomenon, is known as kindling. यह क्यों हुआ भाई? तो it arises due to scattering of radiation or light by colloidal particles dust particles. तो ये हमारा हो गया टिंडल इफेक्ट। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि रेडिएशन को पास करा रहे हैं ठीक किसी कोलोइडल सोर्स से जो कि अंधेरे में रखा गया है, डार्क में रखा गया है, तो हम क्या बताए कि पाथ ऑफ रेडिएशन बिकम इल्यूमिनेटेड बाय ब्लूइश लाइट। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ऐसा क्यों होता है? यह होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रेडिएशन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। और तीसरा बहुत ही जबरदस्त हम के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि आगे जितनी भी बातों की आप चर्चा करेंगे, मैक्सिमम का रीजन हमारा देखिएगा यहीं से उठ के हमारा रीजन जाएगा। जैसे कि एक मिनट ध्यान दें, कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, जरा एक मिनट ध्यान दें। क्या बताएं कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे थोड़ा सा चार्ज परिस चार्ज के बारे में बता दें, तब हम आपको ऐसा बताएं कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? चार्ज आइदर पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। आखिर उन पर चार्ज क्यों अराइज करता है? इसका बहुत सारा रीजन है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो जो थ्योरी है उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो अराइज करता है वह क्यों? तो ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, अब जैसे हम बात करते हैं कि हम सोप की बात कर रहे हैं, तो वह क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें कार्बन, ये जो है ना, इसमें कार्बन की संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रुप में 14 से ज़्यादा ही है। 14 होता है पालमिट, तब वो होता है साबुन हमारा सोडियम पालमिटेट। 15 होता है तो ऑलिएट, 16 होता है तो एस्टीरेट। इस ढंग से बातें होती हैं। तो अब देखिए, ये जैसे ही आप पानी में लेंगे ये क्या होगा? RCOO- और क्या, ये तो सॉल्यूशन में चला गया, लेकिन ये तो इसके साथ रह गया। तो बताइए इसके खुद क्या है? चार्ज है या नहीं? निगेटिव चार्ज है। यहाँ तो कुछ एडजॉर्ब नहीं किया है, किसके कारण हुआ? तो फंक्शनल ग्रुप के आयोनाइजेशन के कारण। या फिर क्या होता है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, वह है ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायन और एनायन ऑन इट्स सरफेस। ये अपने सरफेस पे कैटायन या एनायन का एडजॉर्प्शन कर देता है। अगर कैटायन का एडजॉर्प्शन करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोलोइड, और अगर एनायन का एडजॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रो निगेटिव कोलोइड होगा। पहले आइए हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, और इसमें तीसरे प्रॉपर्टी में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। क्या कहते हैं? द कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ ए सोल आर आइदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज इसके चार्ज किसे अराइज करता है?
The charge on colloidal particles arise either due to ionization of functional group present in their molecule or due to preferential adsorption of cation or anion on their surface. अब क्या हो रहा है, तो ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायन, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोलोइड और एंड वाइस वर्सा, अगर वो क्या करेगा एनायन को एड्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड का फॉर्मेशन होगा। जिससे आप जरा ध्यान दें कि ये हमारा क्या था, FeOH होल थ्री का रस। जब हम क्या करते हैं इसके यहाँ FeCl3 को डालते हैं सॉल्यूशन को, तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन में Fe प्लस 3 और क्या 3Cl माइनस होगा। तो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का अर्थ क्या होगा कि यहाँ टू आयन है Fe प्लस 3 और क्या Cl माइनस, तो अब ये किसी आयन को नहीं लेगा, प्रिफरेंस देगा किसको, जो इसके कॉमन आयन होगा। इसके लिए कॉमन आयन कौन है, Fe प्लस 3 है, क्योंकि अगर Cl माइनस को लेगा तो इम्प्योरिटी आ जाएगा, इसके कॉम्प्लेक्स में Cl माइनस कहां से आएगा। तो प्रिफरेंस जो इसके लिए क्या है कॉमन है उसे एड्सॉर्ब करेगा, कहां Fe प्लस 3 को ले लेगा या बना देगा Fe OH होल 3 Fe प्लस 3, इसका बन जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोलोइड। यही अगर क्या करता नेगेटिव वाले को ले तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड बन जाएगा। जिससे हमारा क्या है AgI है, इसका प्रेसिपिटेट था, इसमें हम क्या करते हैं AgNO3 के को सॉल्यूशन को डालते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेगा Ag प्लस को लेगा तो क्या बनाएगा AgI, Ag प्लस पॉजिटिवली चार्ज वाला। अब हमारा AgI का प्रेसिपिटेट को है लेकिन इसमें हम क्या डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड के को सॉल्यूशन को डालते हैं, तो ये क्या करेगा I माइनस को लेगा AgII माइनस, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड, इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड। तो अब आप बोलिएगा कि सर ये ठीक है हम डाले FeCl3, ये Fe प्लस 3 को ले लिया तो Cl माइनस कहाँ है, सॉल्यूशन में रहा, अगर सॉल्यूशन में नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा बताइए, ये ओवरऑल क्या होना है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, डिस्पर्शन मीडियम भी तो है, डिस्पर्शन मीडियम में होगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड्स के एग्जांपल की बात कर लेनी है, कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव कोलोइड्स की बात कर लेनी है। तो इधर देखिए आप सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोलोइड,
यहाँ देख लें सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोडक्ट। इसे हम बात करें मेटल सोर्स, मेटल सोर्स लाइक सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, प्लैटिनम सोल, कॉपर सोल एक्सेट्रा। हम बात करते हैं मेटल सल्फाइड सोल, मेटल सल्फाइड सोल लाइक आर्सेनियस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, ठीक, इन सब की बात कर लेते हैं एक्सेट्रा। जिसे हम देखते हैं क्लेट, क्लेट्स इसका हो गया मिट्टी का टुकड़ा उकड़ा जो है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, ये सब आपका मिस ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड का एग्जाम्पल है। जबकि यहाँ आप आइए इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्लोराइड्स में देखते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल ले लीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ले लीजिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ले लीजिए, कुछ ऑक्साइड सोल्स भी होते हैं। ये सब जो है वो इधर हम देखे इलेक्ट्रो निगेटिव और इधर क्या देखे इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्लोराइड की बात। अब जरा एक मिनट और भी ध्यान से देखें। अब क्या होता है तो आप देखे कि क्लोराइड के सरफेस पे, क्लोराइड के सरफेस पे क्या हो गया था तो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया एडजॉर्प्शन। तो अब जरा ध्यान दें इसे हम यहां से बता रहे हैं। तो आप जैसे कि इससे पहले देखे कि आप क्या किए फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट था उसमें FeCl3 को डाले तो Fe प्लस 3 को तो ये एड्सॉर्ब कर दिया तो सॉल्यूशन में क्या चला गया Cl माइनस चला गया। इसका अर्थ जरा ध्यान दें हम बोलते हैं कि ये क्या है तो FeOH होल 3 का सरफेस है। आप क्या किए इसमें FeCl3 को डाले तो अब क्या हुआ इसके सरफेस पे कौन आ गया Fe प्लस 3 इसके सरफेस से जुड़ गया, इसके सरफेस से क्या हो गया Fe प्लस 3 जुड़ गया। तो भैया सॉल्यूशन में क्या होगा Cl माइनस होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा Cl माइनस होगा। मींस इस पे हमारा क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस पे हमारा क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज इस लेयर से क्या है बिल्कुल सरफेस से जुड़ा हुआ है, सरफेस से क्या है जुड़ा हुआ है। और आप क्या जान रहे हैं कि डिस्पर्शन मीडियम में क्या है क्लोराइड आयन है तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा डिस्पर्शन मीडियम से क्लोराइड आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इससे यहाँ क्या होगा निगेटिव चार्ज इसके और क्या होगा सराउंडेड होता जाएगा, निगेटिव चार्ज इसके अराउंड रहेगा। हाँ वो जुड़ा हुआ है लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है भैया, वह जुड़ा हुआ है लेकिन ये जुड़ा हुआ नहीं है, उसे क्या कर रहा है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब देखिए दो लेयर हो गए, क्या हो गया दो लेयर हो गया, ये जो हमारा लेयर है ये कहलाएगा फिक्स्ड लेयर, या क्या है फिक्स्ड लेयर है बिल्कुल फिक्स्ड है, जबकि ये जो है वो हमारा क्या है मोबाइल लेयर है और डिफ्यूज लेयर है, ये क्या है डिफ्यूज लेयर है और क्या कह सकते हैं मोबाइल लेयर और मोबाइल लेयर। तो अब डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जब सेपरेशन हो रहा है
जब चार का सेपरेशन हो रहा है तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, जीटा पोटेंशियल। इसी को क्या कहा जाता है, जीटा पोटेंशियल। तो यहां तक आप लिख चुके हैं, इस फिगर को बना लीजिए और इसके नीचे आइए, हम लोग लिखते हैं। तो क्या देख सकते हैं कि अब इस पे क्या हो रहा है, तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल्स जो है उसके नीचे हम लिखते हैं, बाद में आप फिगर बना लीजिएगा। द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज जो भी हो, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव वाले को एब्जॉर्ब क्या था, इस पे पॉजिटिव का फिक्स लेयर है। अगर निगेटिव वाले को एब्जॉर्ब करता उस पे निगेटिव का फिक्स लेयर होता तो बाहर की ओर क्या होता, पॉजिटिव होता। द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज, द पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स एट्रैक्ट्स, क्या करेगा, एट्रैक्ट्स काउंटर आयंस, मींस अपने अपोजिट आयन, उसको कहते हैं काउंटर आयन। एट्रैक्ट्स काउंटर आयंस, ये क्या करेगा, काउंटर आयंस को एट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, काउंटर आयंस फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, तो ए लेयर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज स्फीयर। फॉर्मेशन क्या हो गया, तो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स का एक लेयर बन गया। डिस्पर्शन मीडियम फॉर्मिंग डबल लेयर ऑफ चार्ज, डबल लेयर ऑफ चार्ज विच इज नोन एज जिसे हम क्या कहते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रोकाइनेटिक डबल लेयर, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस बातों को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसे क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इसी में हम क्या करते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो यही हमारा क्या हो गया, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब जरा ध्यान दें, जब दो लेयर हो गया है अपोजिट चार्ज के बीच, तो इनके बीच क्या होगा, चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। और इसमें दो लेयर है, एक लेयर फिक्स्ड है, जिसे एक फिक्स्ड लेयर है, और दूसरा क्या है, डिफ्यूज लेयर है, दूसरा क्या है, डिफ्यूज लेयर है। तो आइए पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, आउट ऑफ टू लेयर्स, आउट ऑफ टू लेयर्स द फर्स्ट लेयर ऑफ चार्ज इज स्ट्रॉन्गली हेल्ड टू द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स which is known as fixed layer. Which is known as
फिक्स्ड लेयर वाइल अदर लेयर वाइल एक लेयर जो हमारा क्या हो गया फिक्स्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं फिक्स्ड लेयर, जबकि सेकेंड लेयर जो होता है वह मोबाइल होता है, ठीक मूव कर सकता है, सेकेंड लेयर इज मोबाइल व्हिच इज नोन एज डिफ्यूज लेयर, व्हाइल अदर लेयर इज मोबाइल व्हिच मूव कर सकता है व्हिच इज नोन एज डिफ्यूज लेयर। उस लेयर को हम क्या कहते हैं डिफ्यूज लेयर। अब ध्यान दें, अब हम क्या कहते हैं तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल, इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेज इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। हम क्या कहते हैं इसके नीचे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेज इज नोन एज जीटा या कह सकते थे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। यही हमारा क्या हो गया जीटा पोटेंशियल। इसे जल्दी से बना लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जरा ध्यान दें, आप क्या जाने कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का होना ही इनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भैया और अब देखिएगा कि आपको लगेगा चले वाह क्या जबरदस्त ढंग की बात है। आप क्या जान रहे हैं कि हमारा ब्लड जो है वह क्या है कोलाइड, जब आप सेविंग वेविंग कर रहे होते हैं और कट जाता है ब्लीडिंग होने लगती है तब क्या करते हैं फिटकरी लगाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या था वो हमारा निगेटिव चार्ज कोलाइड है। आप क्या किए एक ब्लड पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज तो दूसरे ब्लड पार्टिकल पर भी क्या निगेटिव चार्ज, और ये प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स उसे क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा और जुड़ने नहीं दे रहा होगा, जिस कारण उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा है। अब आप क्या किए फिटकरी को रगड़े तो फिटकरी का पॉजिटिव आयन क्या किया उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे न्यूट्रलाइज किया बस वो आपस में जुड़ना शुरू कर दिया और आपस में जुड़ना शुरू करेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा और वो क्या होगा जम जाएगा, बस क्लॉट कर दिया। अब जरा ध्यान दें कि जब गंदा पानी होता है बाढ़ के समय में हम पानी पीने के लिए अब वहाँ कैंट उंट में यह सब रास्ता बंद हो गया है तो उपाय नहीं है तो हम क्या करते हैं गंगा से जो पानी लाए तो उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा फिटकरी को डाल दीजिए पानी साफ हो जाएगा पीने लायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था वो पानी है और उसके साथ क्या है मिट्टी का बालू का ये सब का टुकड़ा फंसा हुआ है, किले का टुकड़ा फंसा हुआ है जो क्या है कोलाइडल नेचर का है। आप क्या किए इसमें फिटकरी थोड़ा सा पीस के डाल दिए तो अब क्या हुआ ये तो चार्ज पार्टिकल था तो अब जो फिटकरी का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो क्या करेगा वो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और जैसे चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा वो आपस में जुड़ना शुरू कर देगा और जुड़ना शुरू कर देगा तो उसका साइज बड़ा होने लगेगा और वो धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो जाएगा सेटल कर जाएगा तो नीचे आपका गंदा जमा हो जाता है साफ हो जाता है। देखिए इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है, पहले आप देखते होंगे सब आपके बुक में भी है टोटल एप्लीकेशन में सब दिया हुआ है भैया। अब आपके समझ में आया कि देखिए इसलिए हम बुक को हमेशा साथ रख के चलते हैं। देखिए ठीक यहाँ देखिए क्या है ब्लड का वो सेप्टिक एक्शन को रोक देना, ठीक सॉइल को प्रसिपिटेट कराना,
प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन करना। ठीक, फिर देखिएगा अभी हम बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्मॉक, इसकी बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, इसकी बात करते हैं। पहले आप क्या देखते होंगे कि चिमनी वगैरह से ईटा जहाँ बनता था उस चिमनी से काला एकदम धुआं निकलता होगा, क्योंकि वहाँ कोयला जलाता था, उसका इनकम्प्लीट कंबसन होता था, उसमें पॉइजनस गैस भी होती थी और अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स उसके फॉर्म में फंस जाते, एकदम काला रंग का धुआं निकलता। खटारा बस वगैरह से क्या देखते हैं, काला रंग का धुआं निकलता। लेकिन अब आप देखिएगा तो अब चिमनी से जो धुआं निकलता होगा वो उजला रंग का धुआं होगा। गाड़ियों वगैरह से भी जो आप धुआं निकलता होगा काला धुआं नहीं निकलता होगा, धुआं भी बहुत कम निकलता होगा, जो निकलता जो है तो काला ढंग का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइलेंसर में क्या किया गया है, तो वहाँ चार्ज प्लेट को लगा दिया गया। वो जो चिमनी है उसका बोलते हैं, उसका नाम होता है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। जो बम्बा खड़ा होता है उसी का नाम क्या होता है, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। उसमें क्या करते हैं, चार्ज प्लेट को लगा देते हैं जिसे हाई पोटेंशियल से जोड़ देते हैं। अब क्या है कि जो अब धुआं जो उठा तो उसके साथ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो क्या है, कोलाइडर नेचर के हैं, चार्ज हैं। अब वो ऊपर की ओर जैसे जाएगा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उस ये चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिए क्या करेगा, तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा वो आपस में जुड़ना शुरू कर देगा, जुड़ते जुड़ते साइज बड़ा होते जाएगा और वो नीचे क्या होगा उसी में जमा होता चला जाएगा ऊपर की ओर से घूम करता है। इसलिए साइलेंसर वगैरह को जब खोलिएगा तो उसको ठोकेंगे देखे ना, अंदर से मिट्टी का टुकड़ा टुकड़ा जैसा एकदम क्लियर ढंग का बालू पत्थर ढंग का निकलता, वही सब वहां जमा हो गया, इसका नाम नहीं आता। जैसे कि बात करें कि नदियां जब समुद्र में जाके मिलती है तो जिस पॉइंट नदियां जिस समय जहां समुद्र में जाके मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं मुहाना। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मुहाना। और मुहाना पे क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन। मुहाना पे क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन। क्यों डेल्टा का फॉर्मेशन मुहाना पे होता है, जरा ध्यान दें, क्योंकि नदियां क्या हो रही है, तो अपने साथ पानी के साथ मिट्टी पत्थर के टुकड़े को कले के टुकड़े को बहाते लेके चली जा रही है, जो क्या है कोलाइडल नेचर का भी साइज छोटा था तो उसको बहाते हुए लेके जा रहे थे। जब वो जाके क्या होगा, समुद्र में मिलेगा। समुद्र में क्या होता है भैया, सॉल्ट्स होते हैं, सब वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। वो क्या करेगा, इस कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा वो पार्टिकल्स आपस में क्या करने लगेगा, जुड़ने लगेगा, जुड़ने लगेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा और नीचे की ओर जमा होता चला जाएगा, डेल्टा का फॉर्मेशन। मेडिसिन के भी बहुत सारे एक्शन जो होते हैं कोलाइडल एक्शन के कारण ही होते हैं। अब ये साबुन डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो भी क्या है, इमल्सिफिकेशन कोलाइड्स वगैरह का ही एप्लीकेशन चलता है, कोलाइड्स वगैरह का ही एप्लीकेशन चलता है। तो इन बातों को देख लिए। अब इसके नीचे ये बात भी जान लें कि एक कोलाइडल पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पर भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। और प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी बिकॉज रिपल्सन बिटवीन देम प्रिवेंट देयर एसोसिएशन। एक लाइन लिख लेते हैं इसके नीचे नेट कंक्लूजन में। नेट कंक्लूजन में हम लिखे क्या लिखते हैं, सुमिता नेट कंक्लूजन में हम लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी because the repulsion between them prevent their association. अगर वो एसोसिएट कर जाएगा तब तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये इसका हो गया इलेक्ट, जो भी प्रॉपर्टीज था वो समाप्त। अब इस पे चार्ज्ड है तो इस बात को प्रूव करने के लिए दो टर्म लाएंगे,
इलेक्ट्रोफोरोसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और कोगुलेशन, हार्डी सुजरू एंड गोल्ड, ये पांच टर्म हमारा बचा हुआ है। अगले क्लास में हमारा ये पूरा का पूरा पीरियड, पूरा का पूरा चैप्टर ही समाप्त, और वो वीडियो बहुत जल्द कल से परसों तक हम अपलोड, और इसके आगे की बात तो अभी सही बच्चे आ ही चुके हैं, मैक्सिमम बच्चे जो आ चुके हैं तो ऑफलाइन क्लास से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनको जहाँ दिक्कत है वो भी पूछते चले जा रहे हैं।